सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घोसी लोकसभा से विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर विजय श्री हासिल करने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं इस समय एक मामला लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर एक युवती ने महागठबंधन के प्रत्याशी अतुल राय पर संगीन आरोप लगाए हैं। शायद इस वीडियो को देखने के बाद ये रावण अतुल मुझे या मेरे परिवार को या मुझसे जुड़े लोगों को मरवा देगा, पर इसका असली चेहरा आप लोगों के बीच में लाना बहुत जरूरी है। उसने व्हाट्सएप चैट से लेकर कई मैसेज फेसबुक पर डाले, जिसके बाद पूरे संसदीय क्षेत्र में तरह तरह की बात होने लगी। विपक्षी दलों के नेताओं के सुर भी तीखे हो गए। तो उनका क्रिमिनल हिस्ट्री तो है ही है, मैं बनारस से लेकर के गाजीपुर तक, मगर अब देख रहे हैं कि उनका बलात्कारी हिस्ट्री ओपन हो रही है। मामले के प्रकाश में आने के बाद से ही लोग अतुल राय का पक्ष जानना चाहते थे। अतुल राय ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि वह उस युवती को 2015 से जानते हैं। उनकी उससे मुलाकात वाराणसी में 2015 में हुई थी। वह युवती एक कॉलेज से महामंत्री का चुनाव लड़ रही थी। अतुल राय ने बताया कि उन्होंने उसकी आर्थिक मदद भी की थी, जिसके बाद से वह कई बार बहाना बनाकर उनसे पैसा लेती रही। जब उन्होंने उसकी मदद करना बंद कर दिया तो उसने उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है। अतुल राय ने कहा कि चुनाव के चंद दिन रह गए हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग यह जानते हैं कि वह चुनाव जीत रहे हैं, तो उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अतुल राय ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मिलीभगत ना हो। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की आवश्यक कार्रवाई के साथ मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। इसके संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पूरी तरह से फेक और निराधार बातें हैं जो की गई। मैं उसकी मदद करता रहा। वो 2015 में यूपी कॉलेज से चुनाव लड़ने आई थी महामंत्री का, चूँकि रहने वाली हमारे बगल के जिले बलिया की थी और नारायणपुर, वीरपुर और जो मेरा मूल जनपद का गांव है, और नारायणपुर में बामुशक्ल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैंने उसकी मदद कर दी, कुछ आर्थिक मदद की। उसके बाद भी जब वो आती रही, हमेशा कहती रही कि भैया बीमार है, मम्मी बीमार है, तो मैं उसकी आर्थिक तौर पर मदद करता रहा। यह मदद मैंने लास्ट 2 जनवरी तक किया है। 2 जनवरी के बाद मैंने उसकी मदद करनी बंद कर दी। जब बंद कर दिया और मैंने कहा कि पहले तुम जो दोबारा पैसा मांगी, तो मैंने कहा पहले तुम मेरा पुराना पैसा वापस करो। जब पुराने पैसे की हम डिमांड कर दिए, तो उसके बाद इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। इसमें उसके साथ सत्यम प्रकाश राय, जो उसके यूपी कॉलेज का पूर्व उपाध्यक्ष है, वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि उसके सारे एविडेंस जो उसने अपनी आईडी से पोस्ट किया है, सब आपके सामने रख दिया हूँ, सब आप लोगों को बता दिया हूँ कि उसकी आईडी भी ऑपरेट कर रहा था, ये भी यही लोग इन्वॉल्व हैं, यही बातें हैं, और इस पर मैं मानहानि का मुकदमा करने जा रहा हूँ। मैंने थाने पर अपनी कंप्लेंट दे दी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पुलिस उसमें जरूर निश्चित अच्छी कार्रवाई। आपने कितने लोग और पीड़ित हुई जानकारी आपको है? जी, इसमें जो आपको मैं ये प्रिंट आउट दे रहा हूँ, इसमें संदीप सिंह सोनकर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको 135 मैसेजेस उसने किए, ब्लैकमेल किया, तमाम चीज़ें की, सारा मैसेज का डिटेल आपके पास है। नवीन राय एक लड़का है जिसको उसने कहा कि मैं मरने जा रही हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, उसका भी डिटेल आपके पास है। 2-3 लोग के तो उन्होंने अपने तुरंत भिजवा दिए कि जब उनको जानकारी हुई कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उन्होंने सारी अपनी चीज़ें बताई कि हम लोग को भी इसने ऐसे पीड़ित किया है, और ये उसके एविडेंस जो हमारे पास है ये हम आपको भेज रहे हैं, आप जब मीडिया के साथियों से बात करिएगा तो सारी चीज़ों को रख दीजिए। कुछ पोलिटिकल लोग भी लगे हुए हैं क्या आपके साथ? कुछ बिल्कुल, जब 20 दिन चुनाव बचा हुआ है, जब 20 दिन चुनाव बचा हुआ है और जो वीडियो पोस्ट हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि 34 से ज़्यादा कट है 2 मिनट 38 सेकंड के वीडियो में, तो निश्चित कोई ना कोई इन्वॉल्व है। कि जो यहाँ जान रहे हैं कि चुनाव एक तरफा गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है, तो उसके वजह से कोई भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई इन्वॉल्व हो कि इस तरह की मेरी छवि भूमिका। पूरे मुद्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है? मैं इनकार नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।